वो लोग बहुत खतरनाक हैं। तुम यहां मत रहो, उनको पता नहीं चलना चाहिए तुम यहां हो। पीछे छुप जाओ। कौन गाड़ी देने को मना किया? कौन है? वो रहा। ओए साले अंडे में हार इतना तेवर। ए अमर, उस बच्चे ने क्या किया, उसे क्यों मार रहे हो? क्या रे करीम, गाड़ी देने को मना क्यों किया? तुम कार का गलत इस्तेमाल करते हो, इसलिए हमने नहीं दी। हमें परेशान मत करो। ऐसा क्या, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली है क्या? तुम नहीं चाहते हो क्या तुम्हारा ट्रैवल एजेंसी का धंधा ठीक ठाक चले? हाँ, कल से गाड़ी भेज देना। चलो साहब। भाई, उस दिन बार में जो आपके बारे में पूछ रहा था, वो लड़का इधर ही खड़ा है। अरे उसको यहां ले गया। उसने क्या किया है, उसे क्यों बुला रहे हो? वो तो अभी चेन्नई से आया है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। बेचारा ये तो अपाहिज है। तू क्यों उसकी इतनी तरफदारी कर रहा है बे? ए, उसको ले क्या? सुना है वो मेरे बारे में पूछताछ कर। ए, चल बे। कौन है बहरा क्या साले? चल। पता चला ये अपने भाई को ढूंढ रहा है। अमर देखो, इसे जाने दो, इसने कुछ नहीं किया है। प्लीज तू हटना करीब। अरे तू हटना करीब बीच में से। कहां से आया बे तू? तेरे भाई के बारे में तुझे क्या जानने का है? बैग में क्या है रे? बैग दे। अबे बैग दे इधर प्लीज। ए देख इसमें क्या है। तुमने इसको बताया नहीं, इसका भाई मर चुका है। अभी तक तो पानी में कीड़ों ने उसको खाकर हजम कर लिया होगा। मैंने तेरे भाई को मारा, मैंने, समझा? तेरे को भी ठोकू? अमर नहीं, नहीं। इसी बंदूक से तेरे भाई को भी मारा था, समझा? समझा इसे करीम, समझा इसे। मरे हुए मुर्दे जिंदा नहीं होते कभी, इसीलिए थोड़ा ठंडा ले, वरना मेरी हट गई ना तो यहीं पे ठोक दूंगा। देख कितना गुस्सा आ रहा है इसे। एक काम कर यार, इसकी भाई की खोज यही खत्म कर दे, इसे भी उसके पास भेज दे। थोड़ा दे साले को। नहीं अमर, इसे जाने दो प्लीज। आगे आगे। उसे छुड़ाओ कोई, उसने कुछ नहीं किया है, छोड़ो। गाड़ी स्टार्ट कर। उसे जाने दो, छोड़ो उसे। नहीं, उसे कहो उसे नहीं मारे, छोड़ो उसे, छोड़ो अमर।
गोलियां मारकर तू मुझे खत्म कर देगा। मैं राजू हूं, मेरी मौत का फैसला मैं करूंगा, तेरी मौत का फैसला भी मैं करूंगा। तू के पास अगर उनको पता चल गया कि तुम आगे हो तो खौफ के मारे ही मर जाएंगे। जो मेरी असलियत जान गए थे वो अब नहीं रहे। जब तक मैं ये ना जान लूं कि असली गद्दार कौन है, तब तक मैं राजू नहीं कृष्णा। इसे राज ही रखना।